और अगर सच्चाई बात को बोलने में अगर कोई बागी बोलता है तो हम बागी हैं। गुरु जी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पर रख दूंगा। तो फिर जब आस्थानी नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है आदमी है? बट अभी हम निकले हैं ये एसपीटी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट, इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ बॉर्डर में कुछ होने जा रहा है, ये किसके इशारे पे हुआ, क्यों हुआ? और अगर सच्चाई बात को बोलने में अगर कोई बागी बोलता है तो हम बागी हैं सही चीज को बोलने में। खैर वो जो हो गया, आने के टाइम में कुछ एक जगह में जहाँ जहाँ चेक नगा लगा हुआ था वहाँ हमने पूछा क्यों आप लोग ऐसा किए हो, किसके आदेश पर किए हो? सर ऊपर से आदेश था, ऊपर से आदेश था। चलिए तो ये इस तरह से किसी की बोली को दबाना पुलिस फोर्स के द्वारा, आखिर शासन प्रशासन के लोगों का ही आदेश होगा। तो इस तरह से एक तरह से लोकतंत्र का ये गला घोटने का काम हुआ। इसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगा कि लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी का फोटो लगाता है, पार्टी का झंडा लगाता है। और मैंने मीटिंग में, भरी मीटिंग में हमने कहा, पाकुड़ में भी और बोरियो में भी, कि भाई आप ही लोग हैं, चुनाव के वक्त में आप लोग इतना इतना झंडा ढोए और अभी कहाँ एक भी झंडा? बोले कि नहीं ढोएंगे, लोगों में आक्रोश है। और यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के और एसपीटी एक्ट को सी है। और हमारा तो मांग शुरू से यही रहा कि आज यहाँ हमारे लोग शहीद हुए हैं, इधर बिरसा भगवान के द्वारा जो आंदोलन चला, बहुत सारे इसके साथ लोग थे, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों का सिंदूर मिट गया और कितने बच्चे अनाथ हुए। और उसके चलते यहाँ सीएनटी एक्ट बना, यहाँ के लोगों को तो कोई भगा नहीं सके ज़मीन से। और संथाल परगना में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तिलका मांझी, इन लोगों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी थी। और वहाँ भी एक एक्ट बना, वो एसपीटी एक्ट बना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ताकि यहाँ के लोग, आज का संथाल परगना में एसपीटी एक्ट नहीं होता और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट अगर नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को गाज के नीचे भी जगह मिलता। तो आज मैं बार बार इस बात को सदन में बोल रहा हूँ कि कम से कम ये कानून है, एक्ट है, इसको तो आप सख्ती से लागू करो। वीडियो ने मना कर दिया कि नहीं, ऊपर से आदेश आया है कि भाई यहाँ नहीं होगा, लोबी ढमरम का कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। तो फिर हम आनन फानन में क्या करते, जो ऊपर से आदेश है तो वीडियो क्या कर सकता है? तो बोला कि सर यहाँ तो नहीं हो पाएगा, ऊपर से आदेश आ गया है, आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। हम बोले संडे है, आज तो ब्लॉक बंद है। नहीं नहीं, ऊपर से आदेश आया है। तो फिर आनन फानन पे हमने सारा खंबा खुट्टा उखाड़ करके, हम इसको अपना शिबू सरन जनजातीय इंटर कॉलेज में जो स्टेडियम है मैं वहाँ लेके चला गया। और रात भर काम होते रहा कि भाई भीड़ जुटेगी, धूप है, लेकिन ऊपर वाले ने साथ दिया, थोड़ा बादल भी हुआ उस दिन। और जब मैं वहाँ गया, नहीं रात में जब पता चला कि हर प्रखंड में पूरा का पूरा फोर्स उतार दिया गया, तो हम बड़ा सोच में पड़ गए कि आखिर क्यों। एक तो ब्लॉक कैंपस में नहीं करने दिया, ठीक है कॉलेज में हम कर रहे हैं, और रात में इतना फोर्स उतार दिया बोरियो में, मंडरो में, बुआरी जोर में, तालझारी में, और रात में फ्लैग मार्च करा दिया। तो बोलते हुए फिर इन सारी बातों को भी हमने रखा था, और हमको पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है और हेमंत सोरेन यहाँ पर
एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पैसा एक्ट का नियमावली बनाएंगे और 1932 के आधार पर ये स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया, तो फिर जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है आदमी है? हमको याद है और आप लोग साथ सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी स्थानीय नीति बनाने के लिए और उसमें मैं भी था, गीता सॉरी उरा भी थी, चंपे सोरेन थे और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का, पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गया। अभी हमारी सरकार बनी है, पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी इस विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहाँ 1932 के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहाँ नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाए नहीं, पहले बनाइए तो इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन नहीं हुआ, बना ही नहीं है। और उसी दिन हमने समझा कि अब दूसरा विकल्प करना पड़ेगा, अब लोगों को जानकारी देना होगा हर जगह जा जा करके, और इसीलिए वही 5 तारीख को निकला। और अपने से जिस दिन जो बोले विधानसभा में, मैं मेज पर 3 बार मुड़ी ठोका और वहाँ से निकल गया और इसके बाद आपकी मीडिया के बीच में आया। और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्यों लड़ेंगे? नेता हमारे गुरुजी हैं, हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है, तो अगर मारिया कुछ गलती करेगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलने का अधिकार भी बनता है मेरा। और गुरुजी गुरुजी हैं, अगर वो हमको 2 थप्पड़ मार भी दे बर्दाश्त कर लूँगा, बर्दाश्त क्या करूँगा? अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पर रख दूँगा। लेकिन हम पर ब्लेम लगा दिया स्टीफन मरडी कि ये दवा दुकान वाले के पास जितना भीड़ होता है उतना भी लोग मीटिंग में भीड़ नहीं होता है, बोलिए। और बोला कि गुरुजी का झंडा क्यों लगाता है? अरे वो मेरा गुरु है यार, अरे कोई भी पूछता है तो क्या भगवान को पूछ करके पूछता है? गुरुजी हमारे आदर्श है, हमारे आदर्श नहीं पूरे झारखंड के आदर्श है। वही तो एक ऐसा नेता है, मैंने बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के नेताओं को भी देखा है, कोई भी नेता रात में मीटिंग नहीं करता, किसी का हिम्मत नहीं है। और गुरुजी के मीटिंग में प्रत्येक साल हम देखते हैं दुमका में 2 फरवरी में, इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए गरीब लोग अपना खाना खा के चलते हैं, रात भर शीतलहर में बैठ करके गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी को सुनते हैं। कौन ऐसा नेता है देश में जी पूरे रात भर उसके उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए? कोई ऐसा नेता पैदा हुआ नहीं हुआ। और आज तक मात्र गुरुजी को ही पता था अलग राज क्यों चाहिए। अलग राज इसलिए चाहिए कि यहाँ मिनरल्स ही मिनरल्स है, यहाँ खनिज संपदा भरा पड़ा है और यहाँ का स्थिति जब तक राज अलग नहीं होगा तब तक गुरुजी का आंदोलन हुआ, और आंदोलन होने के बाद राज अलग हुआ, और राज अलग होने के बाद हमारी सरकार बनी और जो मैनिफेस्टो में है वो लागू नहीं हो रहा। और ये है जो हमारे स्टीफन मरंडी है, बहुत सीनियर है, हमसे भी सीनियर है, बहुत मैं मानता हूँ उसको, बहुत मैं मानता हूँ। और ये बताइए ये कौन कौन पार्टी कौन कौन घाट का पानी पिया और अभी फिर वापस आया और हमको लेसन सिखा रहा? अरे गुरुजी, गुरुजी का फोटो हम
जहाँ भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, गुरु जी का फोटो दिल और दिमाग में है। और हम उठने के बाद भगवान का पूजना कर, भगवान का नाम लेने के बाद गुरु जी का मैं पैर छूता हूँ, बैठे बैठे सो करके हम उठने के टाइम में भगवान को याद करके सबसे पहला हम गुरु जी के पैर को चमन नमन करते हैं। तो गुरु जी का फोटो हम लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को? और ये स्टीफन मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लोगों को दिखाता है कि लॉबिन हेब्रम से हम लॉबिन हेब्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में पूछे दिल में, तुम यही पार्टी के पैदाइश हो और कहाँ कहाँ तुम कौन कौन घाट में तुम पानी पिए हो, उसका जवाब दो। और हमने चिट्ठी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और हमारे गुरु जी को भी लिखा है, इस चिट्ठी का जवाब हमको मिलना चाहिए। और हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक ये स्थायी नीति और नियोजन नीति नहीं होता है तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। हमने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से भी विदा लिया है और घर में भी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ हम वहाँ भी विदा लिए। पत्नी बोल रही थी, उसको जानकारी नहीं है क्या है राजनीति, लेकिन वो बोल रही थी, इतना बड़ा बेड़ा आप क्यों उठाए, कहाँ रहोगे, क्या होगा तुमको, तुम जेल जाओगे, हो सकता है, क्या क्या जो बोल रही थी। हम बोले चुपचाप रहो, ये दो तीन ठो बेटा बेटी हम लोग का पोता नाती है, तुम इसको देखो, हमने पूरा झारखंड प्रदेश हमारा, हम एक गार्जियन के रूप में हम निकलेंगे। और आज हम ये आप लोगों के माध्यम से हम 12 तारीख को यहाँ इसी विधानसभा में एक मीटिंग हमने बुलाया है और हर जिला से 2-5 करके लोग आएंगे, उन लोगों के साथ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उन लोगों का ओपिनियन लेंगे, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, सारे का रणनीति ऐसा बनाऊंगा। और हर जिला में प्रोग्राम होगा मेरा, एक दिन में 2 जिला होगा या एक दिन में 1 जिला होगा, और हर जिला में जा कर हम इसको करेंगे। हमारे नेता तो सरदार के नेता है यार, राजनीति नेता मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जेएमएम के तो विधायक है ना आप? बिल्कुल है, आपके नेता हुए ना हेमंत सोरेन, सदन का नेता, पार्टी का नेता गुरु जी है। आप हमको इधर उधर से इधर मत करिए, समझे ना, हम भी समझ रहे हैं आपको। सदन का नेता है, सदन का नेता रहेगा। हाँ तो है, तो ठीक है, तो सदन में नेता है, मेरा है, दत्तरी यार, बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा दादा, आप भतीजा को भी बोलिएगा, बाप बोलिएगा, ऐसा होता है दादा,